एक ओर प्रशासन के द्वारा लगातार भू माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसने की बात कही जाती है, साथ ही सरकार के द्वारा भू माफियाओं के लिए अलग से एंटी भू माफिया का गठन भी किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर भू माफियाओं के आगे प्रशासन बौना साबित होता नजर आ रहा है। यही कारण है कि 2 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर भी भू माफियाओं का कब्जा होने की शिकायत मिलने के बाद भी प्रशासन के द्वारा 1 साल बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही कारण है कि भू माफियाओं के मनोबल बढ़ते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ के तहसील खैर के थाना टप्पल क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसिव के नजदीक बेश कीमती जमीन पर भू माफिया लगातार अपना कब्जा जमाते नजर आ रहे हैं और प्रशासन हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ दिख रहा है। मेरा नाम अशोक है, मैं टप्पल का रहने वाला हूँ। मसला ये है सर जी, यहाँ पे जो नेता लोग हैं, जो यहाँ के भू माफिया हैं, यहाँ जो भू माफिया हैं, वो बिल्कुल ये CSC की जो जमीन है सरकारी, उसको घेर करके यहाँ प्लॉटिंग काट दी है। प्लॉटिंग काटने के बावजूद ही ये जो हम सब जो गरीबा लोग हैं, यहाँ है कि हमारे लिए रास्ता नहीं है, भैंस है, चौपे हैं, चारा है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, हमको परेशानी होती है। भू माफिया एक नहीं सुनते, SDM साहब के पास 4-6 दफे हम लोग जा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। बताओ आखिर हम क्या करें। बेच दी गई है टप्पल में सर, उसमें क्या कहना सर? वो जमीन खाली कराई जाएगी सर, जो नियमानुसार उसकी प्रक्रिया है खाली कराने की, उसका ड्राफ्ट करते हुए सरकारी जमीन खाली कराई जाएगी। अच्छा सर, उसमें पहले भी टीम पहले जो SDM से उन्होंने पहले टीम गठित की थी, उसमें आदेश भी हो गए थे तोड़ने के सर, वो DM साहब ने आदेश भी कर दिया सर, उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई इस पर। उस घटना की मुझे जानकारी नहीं है, उस केस की अभी एक केस सामने लाया गया था तहसील दिवस में, इसको भेजा गया है, होपफुली इसमें जल्दी हम वांछित कार्रवाई करा लेंगे।